दिल्ली में विधानसभा चुनावों के सियासी दंगल में भारतीय जनता पार्टी ने नई रणनीति के तहत आप मुखिया अरविंद केजरीवाल पर एक कार्टून के जरिए जमकर हल्ला बोला है। दरअसल बीजेपी ने दिल्ली के कई अखबारों में एक विज्ञापन छपवाया है जिसमें केजरीवाल का कार्टून नजर आता है, जिसकी दुल्हन के तौर पर कांग्रेस को दिखाया गया है। वहीं अन्ना हजारे पर भी कटाक्ष किया गया है। इसमें वह दीवार पर लटकी एक तस्वीर भी नजर आते हैं जिस पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही विज्ञापन में केजरीवाल को उनके बच्चों के सिर पर हाथ रखकर कसम खाते भी दिखाया गया है। इस विज्ञापन में केजरीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि सत्ता के लिए बच्चों की झूठी कसम तक खाऊंगा और रात दिन ईमानदारी का डंका बजाऊंगा। वैसे आपको याद दिला दें कि 2013 में हुए विधानसभा चुनावी मैदान में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने चुनाव प्रचार के दौरान बच्चों की कसम खाते हुए कहा था कि हम सरकार बनाने के लिए किसी से समर्थन नहीं लेंगे। बहरहाल अब देखना ये होगा कि बीजेपी के इस कटाक्ष पर आम आदमी पार्टी का क्या पलटवार होता है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।